नमस्ते, मेरा नाम है हिरणेश्वर चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि हिरण के अपार्टमेंट का निर्माण करने से हाथी अचानक सड़क पर आकर मोटरसाइकिल नहीं चलाता, समझ रहे हो ना। तो आज मैं बड़े दिनों बाद अपने इंट्रो बाहर शूट कर रहा हूँ, जो कि नॉर्मली करता नहीं हूँ, क्योंकि आज इंडिया से मेरा एक वो मेहमान आ रहे हैं। तो मेरे जो पहले दोस्त नहीं थे, अभी दोस्त बन गए, अभी पूर्णिया आ रहे हैं तो मेरे मेहमान हैं। तो आज का प्लान यह है कि उसको पूरा सियोल घुमाकर दिखाऊंगा। अभी इसलिए मैं भी अपने घर छोड़ के उससे मिलने सियोल जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सियोल के सबसे पोश एरिया, सबसे महंगे एरिया गैंगनम घूमेंगे, उसके बाद कुछ वो दो तीन लोकल बाजार भी कवर करेंगे, और फिर उसके बाद उसको वो अपने घर पे आके रुकवाएंगे। तो आओ यार, उसके साथ बहुत मजेदार व्लॉग बनने का शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। मैं उसी जगह पर पहुंच गया हूं जहां पे वो बंदा आ जाने वाला है। और यार, ससुर के नाते एकदम इतने ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, हाँ जैसे ये एरिया है सियोल का सबसे महंगा बिल्डिंग भी उतने ऊंचे। चलो, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक थोड़ा अंदर जाके देखता हूँ, क्योंकि बाहर ठंडी बढ़ गई है। अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह दिखता है। एक्चुअली अभी सर्दी का मौसम है तो मैंने सोचा अपने लिए कुछ कपड़े ले लूँ, लेकिन यहाँ पर सारे लाइन में ना सिर्फ लड़कियों के कपड़े हैं। लड़के हमारे जैसे कपड़े कहाँ से लेंगे यार, तुर्की जाना पड़ेगा क्या फिर से। तो अभी हमारे मेहमान आ चुके हैं। भैया, आपका नाम बताइएगा कि क्या नाम है। मेरा नाम है तोर वशु, मैं इंडिया से हूँ। हाँ, और ये भी हमारी तरह एक वो यूट्यूबर है, और मेनली इनका फोकस रहता है ट्रैवल ब्लॉग। आइए मोस्टली की एब्सोल्युटली ट्रैवल पे ही है। अच्छा, तो आप एक बात बताओ कि अभी आपको कोरिया में 3 दिन हो गए, तो कोरिया का पहला इंप्रेशन कैसा रहा, मतलब यहाँ पे घूम कर आपको कैसा लग रहा है। काफी थोड़ा सरप्राइजिंग था, कोरिया काफी ज्यादा एडवांस है, काफी मॉडर्न, काफी डेवलप है। जब मैंने यहाँ की पहली फोटो वीडियो अपने फ्रेंड्स को भेजी, सब लोग शॉक थे, सरप्राइजिंग थे। अच्छा, कंट्री हमारे कंट्री से कितने साल आगे है। अच्छा, मतलब कि ऑब्वियसली बात है, लोग जानते ही है, मेरे बताने की जरूरत नहीं है कितना ज्यादा मॉडर्न, कितना डेवलप कंट्री में आता है कोरिया। अच्छा, लाइक बोल सकते हो सेम लाइक जापान। अभी उसी मोड़ से निकाल के भाई भी हमारे साथ आ गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। ये भाई शुद्ध शाकाहारी है, जिसका मतलब कोरिया में इनके पास ना खाने के काफ़ी लिमिटेड ऑप्शंस है। तो देखा कि वो 5 मिनट की डिस्टेंस पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो आज वहीं जा रहा हूँ, और फिर वो भाई को खाना खिलाते हैं, फिर घूमने निकलते हैं। खाने ही बैठ गए, अभी खाना आता होगा। हाँ, अच्छा भाई एक बात बताइए। नमस्ते जी, आप वो पिछले बोला कि छः महीने से इंडिया नहीं गए, ऐसे ही वो कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हो। जी जी, मेरी लास्ट कंट्री इस ट्रिप की, इसका मैं इंडिया जाऊंगा, कुछ दिन इंडिया रहूंगा, फिर कोई अगली डेस्टिनेशन के निकलेंगे। अच्छा, मतलब इसको देखकर ना ऐसा लगता है कि इनकी सोल भी, इनकी आत्मा भी मेरे जैसे ही है, घुमक्कड़ की। हाँ जैसे, अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि आप बजट ट्रैवल करते हो या फिर लग्जरी ट्रैवल करते हो। मैं बजट ट्रैवलिंग करता हूँ। अच्छा जी, मतलब मेरे लिए कुछ एक्सपीरियंस अगर ऐसा है कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, मैं उसको भी ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरी बजट ट्रैवलिंग ही रहती है। अच्छा, मतलब मेनली आप होटल की बजाय हॉस्टल में स्टे करते हो। मैक्सिमम हॉस्टल में ही रुकता हूँ। अच्छा, होटल बहुत ही रेयर रुका अपनी लाइफ में। अच्छा, एक्चुअली क्या होता है ना, मेरा ये इसमें हमारा थोड़ा फर्क है कि मैं मैक्सिमम 99% मैं होटल में रुकता हूँ, मैं 95% हॉस्टल में। अच्छा, क्योंकि मेरा क्या होता है ना कि मेरा बीच में जो काम रहता है, जैसे मैं ट्रैवल करते हुए काम करता हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, हॉस्टल में मेरा थोड़ा ध्यान भंग हो जाता है। ध्यान, हाँ वो बात तो है। और भाई बोल रहे हैं कि भाई ने मेरे को बताया कि काम छोड़ के घूम रहे हैं। जी, मैं सर, मैं सब लोग जॉब करता था, सब कुछ छोड़ दिया हूँ मैं, मेरा फुल टाइम ट्रैवलिंग है, पूरी दुनिया घूम रहा हूँ फुल टाइम। यार बहुत बढ़िया है, सही में सीखना चाहिए, मेरे को भी इनसे सीखना चाहिए, मेरे दर्शकों को भी सीखना चाहिए। तो गाइस देखो, अभी हमारा टेबल सज चुका है। ये टेबल थोड़ा छोटा है, इसको देखकर एकदम इंडिया के ढाबे की याद आ गई। मैं तो मटन प्रेमी हूँ, मेरा मटन है भाई का, मिक्स वेजिटेबल है ये भाई, है भी यूपी से, तो यूपी के सड़कों पे जब आप घूमते हो ना तो ढाबे का ऐसा ही माहौल होता है, ऐसे छोटे से टेबल पे सजा के खाने का। चलो खाता हूँ, फिर आगे का दिखाता हूँ। तो अभी आज के हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन नामदेमन मार्केट आ चुके हैं। नामदेमन का मतलब होता है साउथर्न गेट। यानी कि दक्षिणी जो द्वार होता है ना। हाँ हाँ, तो ये बोलते हैं कि कोरिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है। और हाँ, अभी मैंने देखा ये मार्केट, हाँ हाँ, पिछले 600 साल से लगती हुई आ रही है। वही तो, 600 साल से। और मतलब स्टोर्स के सारे डिजाइन है, बिल्डिंग्स है, गिराए गए होंगे, बदल गए होंगे। लेकिन जैसे क्या होता है ना कि, मतलब एक चीज बता देता हूँ कि हम कोरियन कभी मार्केट नहीं जाते, जो बाहर से जो मेरे दोस्त आते हैं ना, मतलब इंडिया से, उज्बेकिस्तान से या फिर कहीं और से, वो लोग आके वो मेरे को दिखाते भाई, वो सबसे पहले मेरे को मार्केट ले चलो, वो टूरिस्ट ही आएंगे यार, तो घर के आसपास ही खाएं। वही वही लोग जो लेना होगा हो गया। ऊपर तक थोड़ी आधुनिकता थी, और अब यहाँ पे देख सकते हो कि
ये थोड़ा इंडिया और बांग्लादेश के पुराने लोकल ट्रेडिशनल मार्केट जैसे लग रहे हैं। हाँ सही में, हाँ ऐसे में ऐसे मार्केट देख कर था मेरे को लिटरली बांग्लादेश के कपड़े बाजार की याद आ गई कि सही में ना, हाँ बांग्लादेश में जो कपड़े बाजार का जो माहौल होता है ना हूबहू इससे मिलता जुलता है। जब इंडिया का क्या सीन है मेरे को इतना याद है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कुल्ली भाई साहब हैं और जो कपड़े हैं और फिर इसके नीचे जो रास्ते जाते हैं इतने सारे कपड़े लगे हुए हैं, ये सारे दुनिया भर के बाजार से हूबहू मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम दोनों भाई यूट्यूबर्स हैं, मैं भी अपना वीडियोस बना रहा हूँ और ये भाई भी पीछे अपना स्पष्टीकरण देते हुए अपने यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं। हाँ बात यह है कि यहाँ पे हम कुछ शॉपिंग करने नहीं आए, भाई को दिखाना मेरा मुख्य मकसद है, तो बस देखना हो जाए और हम दोनों का वीडियो सही बन जाए ये काफ़ी है। अभी भाई को बाजार में घुमाते हुए, जबरदस्त बाजार है सही में, मेरे कहीं कहीं पर इंडिया वाली फीलिंग आ रही है। तो इंडियंस को मैं एक चीज बता देता हूँ कि इंडियंस को ना ऐसे लोकल चीजें बाजार बहुत पसंद आता है सही में, क्योंकि आपका माहौल ही शायद ऐसा रहा हो इलाहाबाद में जिस माहौल में आप पले बड़े हो वहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा रहा होगा ना, जैसे आपने कुंडली देखा है यहाँ पे जो कि कोरिया की दूसरी किसी देश में क्या रहता है, काफी सारे लोग दिखते हैं हर देश के, सही बात है, लोकल कल्चर पता चलता है, सारे आइटम दिखते हैं, बिल्कुल खाना भी मिलता है यहाँ पे, लोगों से थोड़ी बात भी हो जाती है सही में। मॉडर्न जगह जाओगे तो किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने अपने गाँव से मतलब, हाँ सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा, यही चीज है आपको सब कुछ मतलब बोलते ना कि एक बेसिक चीज आपको दिखेगा उस कंट्री का, सही बात है, लोकल बाजार में। हाँ मतलब कोरिया डेवलप होने से पहले कैसा था उसका इतिहास पूरे इसके गली गली में दुकान दुकान में समा के रखा हुआ है। हाँ देखो इस दुकान पे कोरिया के ट्रेडिशनल सुवनियर मिल रहे हैं और भाई को दिलचस्पी आ गई है सही में, भाई का भी कैमरा रुक नहीं रहा है और मेरे को भी ना इतना सरप्राइजिंग लग रहा है यार, मैं भी कोरिया में रहता हूँ और फिर वो कभी हम लोग बाजार में शॉपिंग नहीं करते, यहाँ नहीं आते मतलब, नहीं सही में पहले यहाँ पे आए हो पहली बार आ रहे हो? नहीं देखो इस एरिया में आए हो लेकिन इस वो ट्रॉपिकल मार्केट में मैं पहली बार आया हूँ, क्योंकि नॉर्मली आते नहीं है ना इस एरिया में, आया जरूर लेकिन सही में इसको देखकर मेरे को कहीं ना कहीं बांग्लादेश के पुरानी वो मेरी यादों के कहीं वो बीच में खोए हुए मेमोरीज मिल गया इसको मैंने बांग्लादेश में देखा था। ये हमारे अंकल आ गए कल सामने था तो हाँ यही चीज है, मतलब ये थोड़े लोगों के बीच में प्यार बचा हुआ है, मतलब शहर के नहीं शहर के जो बिजी लोग होते हैं ना उनसे अलग है। और देखो बाजार के अंदर घूमते घूमते मेरे को ऐसी अनोखी गली मिल गई, इसको देखकर मेरे को अरब के किसी बाजार की याद आ गई, भाई आपने वीडियो बना रहे हैं मैं भी अपना वीडियो बना रहा हूँ। और देखो ये कुछ कुछ बैग है, कुछ कुछ यहाँ के ट्रेडर के वो क्या बोलते हैं ट्रेडर के बैग लगे हुए हैं, इनके सही में बर्फ देख कर ना ये कोरिया वाली फीलिंग मेरे को आ ही नहीं रही, अरब के किसी बाजार का फीलिंग दे रहा है। अबे हम लोगों ने मेट्रो में तो बहुत घूम लिया लेकिन आज पहली बार भाई को सियोल के लोकल बस में घुमा रहे हैं तो दिल्ली में तो बस बहुत चलती थी वो दिल्ली परिवहन निगम की, उसमें भी तो घूमे होंगे ये बस किसने बनाई है? ये बस तो कोरिया ने हुंडई ने बनाई है, हुंडई ने बनाई है। यहाँ की टॉप ऑटोमोबाइल कंपनी ऑटोमोबाइल यहाँ पे सब लोग जितने भी वो गाड़ियाँ सारे वो सड़क पे जो घूमती है ना टैक्सी बस वो सारे वो प्राइवेट वो सबका नाम ले लो, मोस्टली आपको हुंडई की दिखेगी, उसके बाद किया नाम की कंपनी उसकी दिखेगी। हाँ सब्सिडियरी है हुंडई की, आई एम नॉट श्योर की हाँ हो सकता है अलग, अच्छा लेकिन जो भी हाँ हाँ हुंडई पेरेंट कंपनी है, अच्छा हाँ हुंडई ही नंबर वन है जैसे अभी वहाँ भी जो गई हुंडई की गई। तो अभी हम आज के तीसरे डेस्टिनेशन शायद आखिरी डेस्टिनेशन ग्वांगजंग मार्केट में आ गए हैं, जिन्होंने हाँ कोरियन मूवीज या ड्रामा भर भर के देख के रखे हो उन्होंने इस मार्केट का नाम एक या दो बार सुना होगा एक मूवी में, मूवीज में काफ़ी फीचर होती है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ ये देखो एक अंतर यह है कि इसके ऊपर ना छत है, मतलब ये एक क्लोज मार्केट है ताकि बारिश से बर्फ से कोई फर्क ना पड़े, कवर्ड मार्केट। हाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे भी कपड़े हैं, मतलब वो रेडीमेड कपड़े या फिर अनरेडीमेड कपड़े, लेकिन हमारा फोकस है खाने पर यार, मैं खाना कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। यार मैं सही में खुद कोरियन होकर कोरिया में इतना घूमा नहीं हूँ कि आज वो इस भाई की वजह से मेरे को ना कोरिया का ऐसा ऐसा कोना देखने को मिल रहा है कि जो मैंने मतलब सही में कोरिया में रहते हुए आज तक नहीं देखा। हाँ यहाँ पे कुछ कुछ फूड है और यहाँ पे सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे फूड मार्केट यहाँ से शुरू हो जाता है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं सारे मछलियों के नॉनवेज के बीफ के रेस्टोरेंट इतने दिखाई दे रहे हैं
और हाँ ये देखो हमारा नेशनल फूड किमची आ गया। या भाई किमची देखकर इतना दिलचस्पी लेने लगे हैं कि हमारा नेशनल फूड दिखाने में, जिसको देखकर मेरे को भी अच्छा लग रहा है। और ये देखो आंटी कितनी लगन से मेहनत से हमारा नेशनल फूड किमची बना रहे हैं। इतने अलग अलग प्रकार के किमची देखने को मिल रही है ना, देखकर ही वाह मेरा भी मन भर गया, मुँह में पानी आ गया। यहाँ पे पूरी गली में घूम के ना मेरे को इंडिया में सही में चांदनी चौक की याद आ गई। और भाई ने भी बोला कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि यह मतलब कोरिया के चौक वाली फीलिंग आ रही है, जैसे हर गली में इंडिया के हर सिटी में चौक होता है। क्या क्या चांदनी चीज यहाँ मिल रही है यार, वही तो। लेकिन आप तो एक भी खा ही नहीं पाए इसके में। हाँ अभी हमने अचार कवर किया, लेकिन सारे मछलियों के अचार है, अजीबो गरीब अचार है। जैसे आप लोग आम का अचार बनाते हो, हम कोरियन लोग मछली का अचार बना के खाते हैं। मेरे पीछे जितने भी लाल लाल दिखाई दे रहा हो ना, यो वाला, यो सारी मछलियों का अचार है, सारे के सारे। और यहाँ से खाने की गली, खाने की जगह शुरू हो चुकी है, जिसको कई हमारे मूवीज और कई धारावाहिकों में दिखाया गया है। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्रेडिशनल फूड, जो कि कुछ पराठे जैसे लग रहे हैं, कुछ मीट के हैं इस तरह से, और कुछ टोकपोकी जो कि स्पाइसी होता है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा। हाँ इस तरह से बहुत अलग अलग तरह के फूड यहाँ पे बनते बिकते और लोगों को खाते हुए देख सकते हो। लोगों के खाने की सुविधा के लिए जैसे आप देख सकते हो कि नीचे सीट भी रखी गई है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आज वो पहले इंडियन भाई के लिए कुछ सही खाना मिले कि नहीं मिले। और दूसरी बात, अगर बाई चांस चलो ठीक है कोई वेज खाना बहुत मशक्कत के बाद मिल भी गया, तो इसको खाने की जगह ढूंढना मेरे को बड़े मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। अभी हमारा खाना आ चुका है, भाई के लिए सारा आइटम वेज में मंगवा लिया। आपको तो पता होगा जो लोग कोरिया के बारे में थोड़े बहुत जानते हैं, इसके बारे में पता ना हो ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज टोकपोकी और यह है किम्पाप। भाई के लिए एकमात्र यही आइटम अवेलेबल था, तो आंटी ने बोला कि यार तो बहुत मिलेंगे। हाँ हाँ, तो आंटी ने बोला कि वो मीट खाओ, तो मैंने बोला कि यार हम नहीं खाते, मतलब मैं अकेले होता तो खा लेता, तो भाई के लिए यही ऑर्डर कर लिया। तो अभी भाई के साथ, भाई पहली बार चॉपस्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, टोकपोकी को एक चॉपस्टिक से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस्तेमाल करना नहीं आ रहा टोकपोकी। हाँ तो बताए हमने काफी स्वादिष्ट है। हाँ, कांटे के लिए बोला था, तो आंटी ने बोला कोरिया है तो चॉपस्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, शायद इनके पास मतलब इसके पास शायद है ही नहीं, रखते नहीं है ना, तो एक भाई खा के दिखाओ, तो एक चॉपस्टिक से काम चलाना पड़ रहा है। हाँ 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 सही है, मतलब कोरिया में सारा खाना चॉपस्टिक बेसिस होता है, तो हमको बचपन से सिखाए जाते हैं, मतलब हम 4-5 साल के होते हैं ना तब से सीखने लगते हैं। हाँ इंडियन स्पाइसी के अकॉर्डिंग चबाना पड़ रहा है, ये राइस से बनता है ना, स्टिकी भी है इसलिए बहुत चबाना पड़ता है, लेकिन अच्छा लगता है। वेज भी आप खा भी सकते हो। कल पूरे दिन आराम किया नहीं, आराम दे रहा था, अच्छी बात है। और कल मौसम भी थोड़ा खराब था ना, कल मौसम बहुत खराब हुई, बारिश हो रही थी। बिल्कुल सही बात है, मेरे एरिया में भी सही हुआ, और कल मतलब वो कुछ आसमान में बादल ही बादल थे, सूरज तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। अभी भाई का बैग लेना है, हवा बहुत चल रही है, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई है। आज इनके हॉस्टल में जाके अभी बैग लेना है, और फिर इनको आज मेरे घर पे रुकवाएंगे। क्योंकि हुआ क्या है कि वो लगा कि हॉस्टल में सीट मिल जाएगी, घंटा कहीं नहीं मिली, पूरे वीकडेज में तो हॉस्टल खाली है, बट वीकेंड में सारे हॉस्टल फुल एडवांस में, 10 से 15 दिन एडवांस में, वही तो पूरा मतलब कुछ नहीं मिला। तो इवन होटल भी सारे बुक है, बहुत ही महंगे होटल है, आप एक रात का 15,000 इंडियन रुपीज दोगे इतना ज्यादा आपको होटल लगे, सबसे सस्ता वो भी, वही तो वीकेंड में पूरा फुल, पता नहीं यहाँ पे क्या है। अरे यार वीकेंड को सारे लोग घूमने निकलते हैं ना, वो सारे फॉरेनर कोरियन। हाँ भाई इधर मेरे पीछे, मेरे पास कुछ रहने की जगह ही नहीं मिली, तो मैं घर आ जा रहा हूँ। मतलब मेरे घर पे ना मैं अकेले रहता हूँ, आप लोगों को बता सकता हूँ, और एक ही रूम अभी खाली पड़ा हुआ है, जिसके वजह से एक बंदा सो सकता है। मैं तो कहीं भी अच्छे से जाऊंगा। हाँ अभी सामान लेंगे, मैं तो पता नहीं कितनी रात अफ्रीका में बस में सो चुका हूँ, बैठे बैठे निकल जाऊंगा, घर है। अच्छा जैसे अभी इस पोश एरिया में चलते, मैं भाई से एक बात पूछना चाहता हूँ कि अच्छा भाई एक बात बताओ कि आप दिल्ली में रहो, क्योंकि दिल्ली में भी सेम जगह है क्या, मतलब जैसे इस तरह का माहौल मिले, लोगों की भीड़ मिले, पार्टी वाली जगह? हाँ कुछ जगह है, ना बताइए सर। तो क्या शायद जैसे हाउस खास हो गया। हाँ हाउस खास हो गया, अच्छा वो एक ही है क्या, या फिर वो आजकल और लोग हैं? मैं बहुत पार्टी पर्सन नहीं हूँ, अच्छा। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाउस खास है, और कुछ जगह गुड़गांव में होंगे, नोएडा में होंगे। हाँ हाँ लेकिन पता है एक्चुअली को पार्टी के शौक है, उनको ज्यादा पता होगा। होता क्या है ना कि नोएडा दिल्ली से है, पड़ता इतना दूर है, जैसे मेरे घर की तरह मेरे घर सीहोर से काफी दूर पड़ता है, तो उसी वजह से ना नोएडा में स्पेशली अपने दोस्तों से मिलने गया था, लेकिन ऐसे कंपेयर करोगे तो दिल्ली कोई एरिया नहीं है। हाँ वही वही, लेकिन हाँ एक्चुअली क्या है ना, मेरे को ऐसा माहौल अच्छा लगता है, भले मैं आया हूँ अकेले,
लेकिन यहाँ पे घूमकर एटलीस्ट मेरे को अच्छा ऐसा लगता है कि मतलब मैं लोगों के बीच जिंदा हूँ, अपने आप को जिंदा महसूस करता हूँ। जैसे अपने घर पे बैठ के काम करते हो ना, कभी कभार मैं अपने आप को मरा हुआ महसूस करता हूँ। पूरा भाई का सामान हॉस्टल से उठा लिया है, दो मतलब समझो कि दो बच्चे लग रही है भाई साहब, रोज घूमता है। दोनों का वेट हो चुका है, इंडिया से निकला था तो अराउंड 15 किलो था, अभी दोनों का वेट मिला के हो चुका है 20 किलो। कपड़े बढ़ गए हैं, सोवनियर कुछ बढ़ चुका है। सुन के ऐसा लग रहा है कि मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा अभी। जैसे भाई ने बताया कि जगह ही नहीं है, तो आज मैं जा रहा हूँ इसको मेरे घर रुकवाने के लिए। तो अच्छी बात यह है कि वो एक रूम अभी खाली पड़ा हुआ है। तो चलो अभी यहाँ से मेरे घर तक थोड़ा 1 घंटे का टाइम लगेगा। आप लोगों को भाई ट्रेन, हाँ एक आप लोगों से मिलता हूँ मेरे घर के लोकेलिटी में। फाइनली बहुत मशक्कत के बाद आज हमारे आशाना में आ गए। आपको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन आज पूरा कार्यक्रम खत्म करके मतलब आज एक दिन ऐसा भी था इस महीने की, मतलब बिना काम के सिर्फ वो बाहर घूमने में लगा दिया। ऐसे दिन भी चाहिए होते हैं, कोई कितना ही काम करेगा। इसी भाई की भी सेम स्टोरी है कि मतलब पहले काम करते थे, बोल रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रैवल पे आ गए। मतलब मेरा तो ऐसा नहीं हो पाता। हाँ मेरा 50% काम 50% ट्रैवल ऐसा मिक्स रहता है। अच्छा। हाँ मतलब मैं ट्रैवल करते काम करता हूँ, मतलब ट्रैवल में 2 से 5 बजे तक काम का समय निर्धारित है और फिर उसके बाद मैं घूमने निकल जाता हूँ। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं वापस आऊँगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करो, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख है को सबक सबको। जय साउथ कोरिया, जय भारत। थैंक यू भाई। हाँ तो भाई के चैनल का नाम जो अभी अभी मैंने लिया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फिर वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना।